दोस्तों, आज के जमाने में इंसानियत बहुत कम देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे की हेल्प करने से कतराते हैं कि ये नीची जाति का है या ये भिखारी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे अपनी उम्र में सभी दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। और ऐसा ही इस कहानी में है। एक छोटी लड़की ने इंसानियत दिखाते हुए एक बूढ़ी महिला की हेल्प की और उसे अपने घर पर रख लिया, जिससे देखने को मिलता है कि इंसानियत बच्चों के रूप में आज भी जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसकी उम्र 5 साल है और इस लड़की का नाम है एनी। एनी अपने घर से 7 से 8 बजे तक के बीच कहीं चली जाती थी, लेकिन इस बात पर पहले दिन ध्यान दिया गया। लेकिन जब ये रोजाना इसी समय कुछ समय के लिए घर से गायब हो जाती तो एनी के पिताजी को टेंशन होने लगती, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एनी कभी अकेले घर से बाहर निकली ही नहीं। इस कारण एनी के पिता को ज्यादा टेंशन होने लगी और इन्होंने एनी से पूछा भी, लेकिन एनी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो एनी के पिताजी ने ठान लिया कि वो पता लगा कर रहेंगे कि आखिर एनी हर शाम को कहां गायब हो जाती है। 5वें दिन जब शाम के खाने के बाद एनी फिर से घर से गायब हो जाती है, तो एनी के पिता एनी को देखने के लिए धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ खिलौने और बिखरे कपड़ों के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तब उनकी नजर टेबल पर रखे कागज के टुकड़ों पर गई। वो उसे पढ़कर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस कागज पर लिखा था अपने पुराने वाले घर में 7:30 बजे आ जाना, लेकिन ये ध्यान रखना किसी को पता ना चले। इसे पढ़कर एनी के पिता बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। उसने सोचा शायद उसकी बेटी हमेशा इसी घर जाती थी, और कौन है जिसने इसे नोट के द्वारा एनी को अपने पास बुलाया। और जब उसके पिता नीचे अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा एनी वापस घर आ चुकी थी। इसके बाद उनके पास केवल एक ही रास्ता था जिससे वो सच्चाई जान सकता, और वो रास्ता था अपनी बेटी की जासूसी करना। उसके पिता ने पूरी प्लानिंग बना ली थी। एनी भी अगले दिन इंतजार कर रही थी, और जब घड़ी में 7 बजते हैं तो वो अपने घर से निकल गई। ये सब देखकर एनी के पिता जल्दी से आंगन की तरफ जाते हैं और एनी को वहां जाता देख उसका पीछा करते हैं। एनी का पीछा करते करते वो उस पुराने घर तक पहुंच जाते हैं। इस घर में 40 सालों से कोई भी नहीं रह रहा था, जिस कारण उसके पिता एनी को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। जब एनी के पिताजी उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने उस बालकनी में किसी इंसान को खड़ा देखा। तभी बगीचे के दूसरे किनारे से एनी वहां दौड़ती हुई आती है और वो अपने छोटी छोटी हथेलियों से दरवाजा खटखटाती है। वो इंसान दरवाजा खोलता है और एनी अंदर चली जाती है, तो उसके पिता ये सब देख रहे होते हैं। एनी के पिताजी अपने साथ उस पुराने घर की चाबियां भी लेकर आते हैं। वो उन चाबियों से घर के पीछे का दरवाजा खोलकर घर के अंदर एंटर करते हैं और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां इनकी बेटी की आवाज आ रही थी। वहां पर एनी के अलावा एक और महिला की आवाज आ रही थी। वो उस कमरे के गेट के बाहर जाकर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर सही दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों अंदर बातें कर रही थी, तभी एनी का घर जाने का टाइम हो गया और वो दरवाजा खोलकर बाहर अपने घर की तरफ चली गई। ये देखकर उसके पिता उस औरत के सामने जाते हैं और कहते हैं, एनी मेरी बेटी है। और वो उस औरत से पूछते हैं कि आप कौन हैं और मेरी बेटी के साथ ऐसे छुप छुप कर क्यों मिल रही है। उस औरत ने रोते हुए अपनी कहानी उस आदमी के साथ शेयर की कि वो औरत बताती है कि बहुत साल पहले उसके परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई, तब से वो अकेली हो गई और एनी के स्कूल के पास वाले नर्सिंग होम में रहती थी। वो वहां अकेली रहती थी। इस अकेलेपन के साथ रहना उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तो वो सही मौका पाकर वहां से भाग गई और उस नर्सिंग होम से दूर चली गई। वो गलियों में रहने लगी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुत्तों के साथ रहने लगी, जिससे वो कम अकेलापन महसूस करती थी और वो कुत्तों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई। लेकिन जब इन कुत्तों की संख्या बढ़ने लगी तो इस महिला और कुत्तों के लिए खाने के लाले पड़ने लगे। उसी दौरान ये एनी से मिली जब वो अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रही। एनी ने इस महिला को अपने घर परिवार के बारे में बताया और उस महिला को ये कहा कि आप हमारे एक पुराने घर में रह सकती हो, ये घर कई सालों से बंद है। वो उन सभी कुत्तों के साथ उस घर में रहने लगती है और एनी ने उसे बूढ़ी औरत की बहुत ज्यादा मदद की। और तो और जब उस महिला के सामने खाने का संकट आने लगा तो एनी अपने घर से कुछ खाने के लिए ले जाती, जिससे महिला और कुत्ता बड़े आराम से खाते, इससे इनका गुजारा भी चल पाता। लेकिन ये फिर भी बहुत खुश थी। उस औरत के मुंह से एनी के बारे में यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर जाकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और एनी को बताया उन्हें उस महिला के बारे में पता चल गया है। एनी के पिताजी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस औरत की मदद करने के बारे में सोचा। उस महिला को उस घर में खुशी से रहने की आजादी दे दी। और तो और वो उन कुत्तों के लिए खाने का इंतजाम करने लगे। जब वो महिला बड़ी खुशी के साथ उनके साथ रहने लगी तब एनी अपने दोस्तों और इन कुत्तों के साथ आजादी से खेलती। बाद में वहां के कुत्तों की मदद से उस घर को आवारा कुत्तों के नाम पर कर दिया गया, जहां आज कई आवारा कुत्ते वहां रहते हैं। इस घर में कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है।
तो दोस्तों देखा आपने, कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस महिला और इन कुत्तों के लिए एनी वास्तव में किसी भगवान से कम नहीं थी। बच्चे बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, इसी कारण आज इंसानियत जिंदा है। दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर